नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते अपने टॉपिक को, आज हम डिस्कस करेंगे आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में, भारतीय विद्युत नियम। ये पार्ट 3 है वीडियो का। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ओवरहेड से रिलेटेड यानी ओवरहेड लाइन से रिलेटेड आपको कुछ रूल्स बताए थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आजकल देखना दोस्तों, आपका जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, मैंने आपको पहले कई बार बताया कि बदलाव है हमारा, और रूल्स हमारे जो रूल्स हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, बात करते हैं ओवरहेड लाइन के लिए। मैंने आपको 11 kV तक की लाइन के लिए आपको बताया था कि 11 kV की लाइन होगी हमारी, वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, भवन से दूरी कितनी होगी, विभागीय लाइन जो होती है हमारी, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम बात करते हैं आपका उच्च व बहुत उच्च वोल्टेज लाइनों की इमारतों से दूरी, ठीक है ना, यानी क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। जहाँ उच्च या बहुत उच्च वोल्टेज की सुपर लाइन किसी भवन या उसके भाग के ऊपर से होकर गुजरे या पास से गुजरती हो, तो अधिकतम झोल यानी सैग के आधार पर दोस्तों उस पर भवन के सबसे ऊंचे हिस्से से लाइन के नीचे हो, लाइन की खड़ी दूरी निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपका भवन है, आपका मकान है दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग है आपकी, जो उसके जो सबसे ऊपर की कोई भी जो सबसे ऊपर का जो टॉप का हिस्सा होगा उससे बीच की लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी छत की बात करें, आपकी ममती है छत पे, तो ममती से हाइट नपेगी वो, छत से नहीं नपेगी, ठीक है ना। यानी जो आपका मकान का सबसे ऊंचा हिस्सा होगा उसके बीच की वर्टिकल दूरी कितनी होनी चाहिए आपकी। तो बात करते हैं आपके वर्टिकल क्लियरेंस हाई वोल्टेज अप टू 33 kV, यानी 33 kV तक की दोस्तों कितनी रहेगी हमारी, ये रहेगी आपकी दोस्तों 3.7 मीटर, ठीक है ना। कितनी रहेगी हमारी, ये रहेगी हमारी 3.7 मीटर, यानी इसको बोलते हैं आपको 3.658 मीटर भी बोल सकता है, कई बार आपको पॉइंट में दे देगा, तो पॉइंट में आपको 3.65 दे सकता है, नहीं तो आपको याद रखना है 3.7 मीटर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम आपका 12 फिट। इसी प्रकार से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अबव 33 kV, 33 kV से दोस्तों अगर ऊपर की लाइन होगी आपका तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें देखिए आपका बहुत उच्च वोल्टेज की लाइन के लिए आपका 3.7 मीटर, उसमें प्लस करेंगे आपका 0.3 मीटर फॉर एवरी 33 kV के लिए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, प्रत्येक 33 kV या उसके किसी पार्ट के लिए, पार्ट देयर ऑफ, ठीक है ना। तो आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अबव कितना, 33 kV से ऊपर की लाइन होगी तो उसमें कितना होगा, 3.7 मीटर होगी हाइट, प्लस उसमें 0.3 मीटर ऐड कर देंगे पर फॉर एवरी 33 kV पार्ट के लिए देयर ऑफ, ठीक है ना, प्रत्येक 33 kV वोल्टता या उसके किसी भाग के लिए। इसी प्रकार से उस भवन के किसी भाग और सबसे पास के चालक के बीच की क्षैतिज दूरी हवा के दबाव से पैदा हुए अधिकतम झुकाव के आधार पर नीचे लिखे अंतर से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो बात करी दोस्तों, अभी हमने आपका जो वर्टिकल क्लियरेंस है हमारी, यानी जो आपकी ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है, ऊर्ध्वाधर जो है आपकी, उसकी बात करी थी कि भवन से ऊंचाई से कितने ऊंची वायर हमारा होना चाहिए। तो हाई वोल्टेज अप टू 33 kV तक 3.7 मीटर होना चाहिए, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो जाएगी तो 33 kV से अबव होना चाहिए, यानी 3.7 मीटर से अबव प्लस 0.3 मीटर उसमें क्या कर देंगे, पर 33 kV के लिए ऐड करते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखते इसमें, देखिए इसमें दिखाया हमारा हाई वोल्टेज लाइन के लिए, ठीक है ना, हाई वोल्टेज लाइन के लिए, यानी हाई वोल्टेज लाइन अप टू 11 kV तक के लिए कितना रहेगा आपका, 1.2 मीटर रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों आपका हाई वोल्टेज लाइन के लिए, 1.2 मीटर। ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, यानी आपका कोई मकान है, आपका कोई बिल्डिंग है, उसके सामने से जो आपका वायर गुजरेगा किसी ओवरहेड लाइन का, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर होनी चाहिए। और वर्टिकल की बात कर रहे थे तो 33 kV तक की लाइन के लिए कितना था, 3.7 मीटर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, 3 से 4 नंबर आपको इस वीडियो से मैक्सिमम मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसमें क्या दिया है अपना, अबव 11 kV अप टू 33 kV, ठीक है ना, 11 kV से ऊपर 33 kV तक कितना रखेंगे आपका, कितना वायर का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी भवन से बिल्डिंग से, 2.2 मीटर, ठीक है ना। 11 kV से ऊपर और 33 kV से नीचे अप टू, तो आपको कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा आपका भवन और कंडक्टर के बीच में 2.2 मीटर का रहेगा। इसी प्रकार से अबव 33 kV, यानी 33 kV से दोस्तों ऊपर की लाइन होगी आपकी, तो 2 मीटर क्या करेंगे इसमें, प्लस कर देंगे आपका, ठीक है ना, 2 मीटर प्लस 0.34 एवरी 33 kV पार्ट देयर ऑफ, ठीक है ना। ये इसमें आप लोगों को इसमें याद रखना है, 2.2 मीटर है, इसमें 2 मीटर प्लस करेंगे आपका, और 2 मीटर प्लस 0.3 मीटर फॉर एवरी 33 kV पार्ट ऑफ देयर, तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है ना। 2 मीटर रखेंगे और प्लस क्या करेंगे, 0.3 मीटर फॉर एवरी 33 kV पार्ट ऑफ देयर। इस प्रकार से देखिए, अब ये कुछ आपका दिए हैं आपके सबसे नीचे के चालकों की भूमि तल से ऊंचाई, ठीक है ना, सबसे नीचे के चालकों की भूमि तल से ऊंचाई, क्लियरेंस अबव ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर, यानी ओवरहेड सर्विस लाइन जो कि सड़क पार करती हुई लगाई जाए, या किसी चालक का कोई भी भाग भूमि तल से अगले की ऊंचाई से कम पर ना होगा। यानी ये आपको दिखाया गया है दोस्तों इसमें कि निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइन है आपकी, यानी लो एंड मीडियम वोल्टेज की लाइन है आपकी,
ठीक है ना, किसका जो कोई भी चालक है, हमारी जो सड़क पार करती हुई लाइन हो आपकी, सर्विस लाइन जो बोलते हैं, किसी चालक का कोई भाग भूमि तल से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, जो नीचे का कंडक्टर होता है, तो 5.8 मीटर। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसमें थोड़ा सा कुछ एक भी पॉइंट हमारा छूट गया था, इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो निम्न व मध्यम वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर रहेगा, हाई वोल्टेज लाइन के लिए हमारा 6.1 मीटर। यानी हाई वोल्टेज लाइन के लिए कितना डिस्टेंस होगा आपका वर्टिकल, धरती से अर्थ से लेकर आपका नीचे वाले कंडक्टर तक ओवरहेड लाइन का, 6.1 मीटर रहेगा। इसी प्रकार से क्लियरेंस ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर अबव ग्राउंड एंड लॉन्ग स्ट्रीट, ये कितना रहेगा भाई हमारा, ये रहेगा हमारा 5.5 मीटर। सिरोपड़ी लाइन जो होती है, विभागीय लाइन जो होती है आपकी, जो सड़कों की किनारे लगाई जाए, या उसका कोई चालक या उसका कोई भूमि तल से निवृत्त ऊंचाई पर कम पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कितना नहीं होना चाहिए दोस्तों, 5.5 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार से हाई वोल्टेज लाइन के लिए कितना होगा, तो हाई वोल्टेज लाइन के लिए हो जाएगा हमारा 5.8 मीटर। ठीक है ना, कितना जाएगा दोस्तों, 5.8 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला पॉइंट है कि क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट कंडक्टर अबव ग्राउंड अदर देन अक्रॉस अलोंग और अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इसमें क्या है देखो दोस्तों, आपका पूछा है, आपका इसमें आपका दिया है 4.6 मीटर, यानी निम्न या मध्यम वोल्टेज की लाइन जो बेयर वायर्स होती है दोस्तों आपकी, उसके लिए पूछा गया है इसमें। लो मीडियम एंड हाई वोल्टेज लाइन अप टू कितना, 11 kV बेयर, यानी आपकी बेयर वायर होते हैं दोस्तों ये इंसुलेशन लेस होते हैं, जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता। ठीक है ना, जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता, जो हम सड़कों पे आपके कंडक्टर यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ACSR कंडक्टर है हमारा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तो इस पर कोई इंसुलेशन तो नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बेयर कंडक्टर बोलते हैं। तो लो मीडियम हाई वोल्टेज लाइन अप टू 11 kV तक की लाइन की दोस्तों कितना होगा, बेयर है यदि तो उसका उसकी हाइट कितनी रहेगी, 4.6 मीटर रहेगी। ये भी क्या होता है, स्टैंडर्ड होते हैं हमारे सभी को याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों, कितनी रहेगी, 4.6 मीटर रहेगी। और आपको ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए तो 4.5 मीटर मिल सकता है, 4.572, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है ना, तो कितना याद रखना आपको, 4.6 मीटर्स का होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा लो मीडियम एंड हाई अप टू इंक्लूडिंग 11 kV इंसुलेटेड। अगर हमारी लो मीडियम हाई वोल्टेज अप टू इंक्लूडिंग 11 kV तक की लाइन है दोस्तों आपकी, 11 kV तक की लो मीडियम हाई वोल्टेज है हमारी, और लाइन हमारी क्या है, इंसुलेटेड है, यानी केबल से जनरली यूज़ किया गया हो, यानी इंसुलेटेड लाइन हो हमारा, तो हम कितना हाइट रखेंगे वायर की केबल धरती से, उसकी रखेंगे दोस्तों आपका 4 मीटर। ठीक है ना, कितने रखेंगे इसकी, 4 मीटर रखेंगे। पहले इसको हमने 5.2 मीटर बता दिया था, बल्कि 5.2 मीटर किसका होता है, हाई वोल्टेज का होता है, ये कि 7 पॉइंट में दिखाया गया है, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है ना, यानी लो मीडियम और उच्च वोल्टेज की लाइन है हमारी, अगर क्या हो लाइन हमारी दोस्तों इंसुलेटेड हो, 11 kV तक की लाइन हो हमारी, तो उस कितनी डिस्टेंस रहेगी हमारे कंडक्टर की, 4.0 मीटर, 4 मीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका हाई वोल्टेज अबव 11 kV, अगर 11 kV से यानी 11,000 वोल्ट से अधिक उच्च वोल्ट की लाइन है हमारी, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना रहेगा हमारा, रहेगा 5.2 मीटर, यानी 17 फुट के समथिंग, यानी 17 फीट के समथिंग क्या रहेगा दोस्तों हमारा डिस्टेंस में रहेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को सभी पॉइंट है, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख लेना है, इसको नोट कर लेना है दोस्तों। और अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता लग सके। और अभी आपका आगे मशीन वगैरह की स्टार्टिंग हो जाएंगी, तो उसमें आपको जो भी आपका TG2 का एग्ज़ाम है, या आपका UP RVNL की बात करें, UPPCL में वैकेंसी है हमारी, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अब देख लेते हैं, कुछ रूल देख लेते हैं, हमारे रूल दिया है हमारा एक छोटे से, क्लियरेंस ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन फ्रॉम बिल्डिंग। ठीक है ना, ये आपको जनरली याद रखना है, क्लियरेंस ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन फ्रॉम बिल्डिंग, यानी वर्टिकल क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए आपकी दोस्तों, वर्टिकल क्लियरेंस 2.5 मीटर होनी चाहिए, इनमें एक स्टैंडर्ड होता है हमारा। यानी आपकी जो मीडियम और लो वोल्टेज की लाइन है दोस्तों आपकी, अगर बिल्डिंग के आसपास है, बिल्डिंग के साथ साथ, बिल्डिंग के पास है, बिल्डिंग के ऊपर से कोई गुजरती है, तो कितना कंडक्टर का डिस्टेंस होना चाहिए भूमि से, यानी जो बिल्डिंग है हमारी, वर्टिकल क्लियरेंस 2.5 मीटर होनी चाहिए कम से कम, और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए कम से कम दोस्तों आपकी, 1.2 मीटर। ठीक है ना, वर्टिकल क्लियरेंस आपकी 2.5 मीटर होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस आपकी होनी चाहिए 1.2 मीटर। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।